हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हाउ टू प्ले क्रिकेट में। ये वीडियो है बॉलिंग रनअप के ऊपर कि हम अपना बॉलिंग रनअप कैसे ठीक कर सकते हैं और कितना हमें बॉलिंग रनअप लेना चाहिए। आपने अभी वीडियो देखी उसके अंदर बॉलर यही कर रहा है कि पहले जितने अपने 5-6 स्टेप हैं नॉर्मल है वो नॉर्मल ले रहा है, जितना आप जॉगिंग के टाइम भागते हैं 5-6 स्टेप वो नॉर्मल अपने ले रहा है, उसके बाद थोड़े बड़े स्टेप हैं और जब जान लगानी है तो लास्ट के 5 या 6 स्टेप होते हैं जिनमें आप अपने पूरा लोड करके आप अपना बॉल डालते हो, तो लास्ट के 5-6 स्टेप हैं उनमें आप जितना हो सके अपनी जान लगाओ ताकि आपके बॉडी की फोर्स बॉल के पीछे लगे, जितनी आपकी बॉडी फोर्स आपके बॉल के पीछे लगेगी बॉल आपकी उतनी ही तेज जाएगी। तो इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि आपका बॉलिंग रनअप होता है वो ओड होता है 13, 15, 17 ऐसे कदमों का होता है। तो सबसे पहले जैसे पहले लाइन होती है तो फिर स्टंप वाली लाइन होती है, अब जितना आपका जंप होता है सबसे पहले होता है कि जितना जंप होता है उतना आपको जंप निशान करना है। तो ये वाला जंप इसलिए दिया जाता है कि आप जब जंप लेके आओगे यहाँ पे तो आपका नो बॉल ना हो, तो वो जंप लेने के बाद जितने आपका कदम है इतने कदम पे आप अपना रनअप ले सकते हो, या तो यहीं से काउंट कर सकते हो। अगर आप यहाँ से काउंट नहीं करना चाहते तो सबसे अच्छा तरीका यही है जो हम नॉर्मल करते हैं, जो स्टार्टिंग में बिगनर होते हैं वो करते हैं, जैसे ये स्टंप की लाइन है और ये आगे वाली लाइन है, तो आगे वाली लाइन से हमें स्टार्ट करना है भागना, भाग के अपना लगता है कि कदम होते हैं वहाँ पर अपना गोल डालिए, गोल डालिए ये जगह होती है, यहाँ से अपने काउंट स्टार्ट करने हैं आपने अपने पैर 1, 2, 3 जितने आपके पैरों का कदम होता है उसी हिसाब से आप आदत बनाइए, वहाँ तक आप अपने कदम नापिए फिर यहाँ से स्टार्ट करिए, जितने कदम आपको लग रहे हैं तो अगली बार जब आपको रनअप लेना हो तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, उतने कदम कर सकते हैं। थैंक यू। Identity, it's a fielder. Catch! Well, no timing at all, but he'll still beat the fielder. Yes, just enough to beat him for 4.